वेलकम अगेन डी बाइकर्स के तमाम फॉलोअर्स को और देखने वालों को मेरा सलाम। आज हम पंजाब की सैर करेंगे और आज हम लाहौर से चल के उकाड़ा तक ट्रैवल करेंगे। कोशिश करेंगे कि ऐसी जगहें आपको दिखाएं, ऐसी जगहों पे ले जाएं जो आपने पहले ना देखी हों। आज मौसम भी कुछ बहुत ही प्यारा है, काफ़ी दिनों बाद धूप निकली है और धूप के बारे में मैं कहूँगा कि ये एक ब्लेसिंग है। और गालबन कुछ अरसा पुरानी बात है, हॉलैंड की टीम हमारी जो हमारे मुल्क में आई तो उनके कैप्टन से पूछा गया कि पाकिस्तान को में आपको क्या चीज़ अच्छी लगी, तो उसने कहा कि मुझे पाकिस्तान के गोलगप्पे बड़े अच्छे लगे, क्योंकि इतने बारीक और इतने छोटी बॉल किस तरह बनाई जाती है और उसको उसमें चीज़ें फिल करके उसको खाया जाता है, तो वो उसके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि गोलगप्पे कैसे बनाए जाते हैं, कैसे तैयार किए जाते हैं। और दूसरा उससे क्वेश्चन किया गया और क्या चीज़, तो उसने कहा कि आप बड़े पाकिस्तानी जो हैं बड़े खुशकिस्मत हैं कि ये रोज़ाना सूरज देखते हैं और वाकई सूरज की कदर उनको ही है जो जहाँ सूरज नहीं निकलता और हम रोज़ाना सूरज देखते हैं। तो आज यहाँ भी पाकिस्तान में सूरज निकला हुआ है और हम भी कुछ इंजॉय करते हैं। आपको ले चलते हैं पंजाब के खूबसूरत जगहों पे। और ये एरिया पाकिस्तान का, पंजाब का डेंस पॉपुलेटेड एरिया है, तो आज हम काफ़ी सारी जगहें आपके साथ विज़िट करेंगे, आप हमारे साथ रहिए। इस वक्त हम जीटी रोड से जा रहे हैं सराय चीबा, ये फूल नगर से थोड़ा पहले रास्ता जाता है और ये गांव में एक सराय है और जिसे शेरशाह सूरी ने 1540 और 1545 के करीब करीब बनाया और 500 साल गुजरने के बावजूद भी यहाँ लोग अभी आबाद हैं और वो काफ़ी अच्छी हालत में ये सराय है। और शेरशाह सूरी जो अपनी वजह शोहरत उसकी बहादुरी तो थी ही, लेकिन उसने इस खत्े में वेलफेयर के काम बड़े बहुत ज़्यादा किए, सड़कें बनाई, कुएं बनाए और सराय बनाई और बहुत सारी जगहों पे उसने डाक चौकियां बनाई, तो इस तरह उसने उस दौर में काफ़ी अच्छा नेटवर्क बनाया और उसकी कामयाबी की वजह भी यही है और उसकी इस इलाके में जो हुकूमत करने की वजह भी यही है कि उसकी गिरफ्त बहुत ज़्यादा थी इस एरिए में और उसका डाक का सिस्टम अभी भी उसकी जो चौकियां हैं वो मौजूद हैं और देखी जा सकती हैं और उसको काफ़ी हद तक बाद की आने वाली गवर्नमेंट ने उसको फॉलो किया। तो चलते हैं हम सराय चीबा। इस वक्त हम सराय चीबा पहुंच चुके हैं। किसी ज़माने में तो ये एक बिल्कुल खेतों के अंदर एक सराय थी जो शेरशाह सूरी ने बनाई, लेकिन अब ये बहुत ही डेंस पॉपुलेटेड एरिया बन गया और गांव भी काफ़ी बढ़ चुका है और सराय से लोग बाहर भी मकानात बन चुके हैं और बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ है और यहाँ के मकामी लोग भी इधर इकट्ठे हुए और हमें उन्होंने वेलकम किया। आज मौसम भी बड़ा प्यारा है और चलते हैं जी सराय को और दिखाते हैं आपको जो उसकी बाकियात हैं। लोगों ने तोड़ फोड़ करके उसको थोड़ा सा उसका हुलिया तो बिगाड़ा हुआ है, फिर भी देखते हैं कि जो उसकी असल हालत है या जो बेहतर हालत है वो आप तक शेयर करते हैं। जी आज मौसम बड़ा प्यारा है और यहाँ के मकामी लोग भी बहुत सारे इकट्ठे हुए हैं। मेरे ख्याल में कुछ छुट्टियाँ चल रही हैं स्कूल की, तो सारे बच्चे इकट्ठे हुए हुए, तो चलते हैं गांव की सैर करते हैं बच्चों के साथ आज। काफ़ी अच्छा पुराना स्ट्रक्चर है बट इसकी थोड़ी केयर की ज़रूरत है, अदरवाइज कमिंग फ्यू ईयर में ये तो मिट्टी का ढेर बन जाएगा। और आर्किटेक्चर देखें बहुत अच्छा और 500 साल मोर देन 500 ईयर इस बिल्डिंग को बने हुए और अभी तक ये अच्छी हालत में है और इसका जो डिज़ाइन है ये ईरानी स्टाइल में लगता है और इसके गुंबद देखें और जो आर्चेज बने हुए हैं ये भी ईरानी स्टाइल के हैं। उस वक्त ये टेक्नोलॉजी थी, इस पे ऊपर कोई स्टील स्ट्रक्चर नहीं है और ये इस तरह की बिल्डिंग बनी हुई है
और ये बेसिकली उसका एंट्रेंस गेट है सराय का, बहुत बड़ी सराय थी क्योंकि कारवान यहाँ से गुजरते थे तो उस वक्त ये लोग यहाँ आके कारवान ठहरते थे और अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन तक के लिए यहाँ थोड़ा क़याम करते थे। लेकिन अब ये एक बहुत बड़ा गांव बन गया है और बहुत ज़्यादा आबादी यहाँ है। और चलते हैं इसके बाकी हिस्से भी आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान, पाकिस्तान, जीवे जीवे, जीवे जीवे, पाकिस्तान, जीवे जीवे, पाकिस्तान। ये इस वक्त हम सराय छींबा पे मौजूद हैं और ये सराय जो बहुत बड़ी सराय थी और इसके काफ़ी से डिमोलिश कर दिए गए, कुछ हिस्से अभी बाकी हैं और कोशिश करेंगे कि हम इसकी जो बाकी हिस्से हैं जो असली हालत में अच्छे हैं, जो मुनफरिद हैं, वो वाले पार्ट आपको दिखाएंगे। जी इस वक्त हम सराय छींबा पे हैं और बहुत बड़ी सराय और बहुत खूबसूरत, बट इसको इसकी देखभाल नहीं हुई और ये मुफ्त इस तरह के बहुत सारे सेटअप थे और यहाँ एक अस्तबल भी था और यहाँ एक उनका जो डाइनिंग के हवाले से किचन और इस तरह की भी थी और जो काफ़िले यहाँ से गुज़रते थे वो यहाँ क़याम करते थे और बेहतरीन बड़ी बड़ी चौड़ी दीवारें हैं। और जैसे ही मैं इसमें दाखिल हुआ मुझे लगा कि ये तो कोई भूत बंगला है, बट बहुत खूबसूरत है और अभी इसकी देखभाल अगर थोड़ी हो जाए तो ये एक हमारा बहुत ही कीमती जो विरसा है उसको संभाला जा सकता है। मोर देन 500 ईयर इसको हो गए, बट देखिए उस वक्त किस तरह तामीरात होती थी और किस तरह के वहाँ उस वक्त कारीगर थे कि इतनी बड़े स्ट्रक्चर को उन्होंने इतना अच्छा बनाया। और ये एक तह खाने की सूरत में है और काफ़ी ठंडा है और गर्मियों के हवाले से इस खित्ते को उन्होंने उसी हिसाब से डिज़ाइन किया कि अगर मुसाफिर यहाँ आए तो उस वक्त क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, बिजली नहीं थी और पंखे भी नहीं थे डेफिनेटली, तो उन्होंने गर्मी के हिसाब से इसको तामीर किया। इसकी एक आउटर वॉल अभी भी है जो पूरे उसको सराय को एक डिफेंसिव वॉल के तौर पे इस्तेमाल होती थी कि जैसे ही काफले आते थे और कारवान आते थे वो इसके अंदर चले जाते थे, फिर गेट बंद हो जाता था, अंदर महफूज हो जाते थे। और कहा जाता है कि इसके मोर्चे भी बने हुए थे यहाँ जहाँ बाकायदा तौर पे पहरा दिया जाता था और गार्ड होते थे, तो इस तरह का ये सेटअप था। और मैं तो उसी 500 साल पुराने दौर में अपने आप को फील कर रहा हूँ कि उस वक्त इसकी रौनक कैसी होती होगी, बट अभी थोड़ी सी मायूस कुन है। चलते हैं जी इसके बाकी हिस्से देखते हैं। यहाँ बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं और छोटे छोटे कमरे हैं, बेसिकली ये सराय का स्ट्रक्चर यहाँ बनाया गया और ये माजी की बहुत खूबसूरत दास्तानें सुना रहे हैं। और ये देखें छोटी ईंट से तामीर शुदा मोर देन 500 ईयर इसको बिल्डिंग को हो गए और अभी तक इसका स्ट्रक्चर बड़ी अच्छी हालत में है। और उस वक्त की टेक्नोलॉजी देखें, एक देसी तरीकाकार था बट उसका आर्किटेक्चर अभी तक मुनफरिद है। काफ़ी बड़ी सराय ये और शेरशाह सूरी ने इसको 1540 और 1545 के दरमियान जो जब उसने यहाँ हुकूमत की तब ये बनाया।
और काफ़ी बड़ी है। उसके बाद मुख्तलिफ अदवार में इसमें आबादी चलती रही। लास्ट जो था यहाँ सिखों की ये आबादी थी और ये सिखों का एक कबीला जो चीबा के नाम से था उसके नाम से ये सराय चीबा मशहूर हुई। और ये आउटर वॉल आप देख रहे हैं और तकरीबन ये 3 से 4 फुट चौड़ी वॉल है, ये डिफेंसिव थी और इसका एक ही गेट था और जैसे वो दाखिली दरवाज़ा था जैसे लोग आते थे और जो काफ़िले कारवान ताजर जो ट्रैवल कर रहे होते थे वो यहाँ आके ठहरते थे। तो बहुत ही खूबसूरत अपनी माजी की खूबसूरत दास्तान सुना रही है, लेकिन अभी ये खूब आंसू बहा रही है कि मेरे साथ क्या हुआ। चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, आप हमारे साथ रहिए। डिस्कवर पाकिस्तान आपको दिखाएगा अमेजिंग प्लेसेस, ऐसी प्लेसेस जो यकीनन आपने पहले नहीं देखी होगी। चलते हैं जी। इस वक्त हम पत्तोकी पहुंचे हुए हैं और पत्तोकी की वजह शोहरत यहाँ की नर्सरियाँ। ये गुलन फाटक के साथ ये तकरीबन कहा जाता है कि 15 किलोमीटर रेडियस में ये नर्सरियाँ हैं और ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी मंडी है और यहाँ हज़ारों के हिसाब से आपको पौधे मिलते हैं, फलों वाले, फूलों वाले और हर तरह के यहाँ पौधे मिलते हैं। और चलते हैं आपको कुछ नर्सरी की विज़िट कराते हैं। कहा जाता है कि ये पौधों की एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है और मेरे लिए भी अमेजिंग था क्योंकि यहाँ से अक्सर गुजर होता है और मुझे इसका वो मैं पढ़ के हैरान हो गया। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की सबसे बड़ी फूलों की मार्केट भी यहाँ पे है और यहाँ 100 से ज़्यादा गुलाब के फूल हैं जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा उसकी काश्त होती है और बहुत जगहों पर आप बहुत सारी इवेंट्स में आप देखते हैं और कई किस्म के फूल हैं और ख़ास तौर पे यहाँ जो फूल हैं वो पूरा साल आपको मिलते हैं। और ये मार्केट जो है ये रात को आधी रात के बाद ओपन होती है और सुबह सूरज तुलू होने से पहले पहले फिनिश हो जाती है। और ये फूल जो है ना पूरे पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी भेजे जाते हैं और बहुत ज़्यादा यहाँ नर्सरीज हैं और कहा जाता है कि 15 किलोमीटर रेडियस में ये नर्सरीज यहाँ कायम हैं और 40% से 50% लोगों का रोज़गार इन नर्सरियों से वाबस्ता है। और यहाँ हर तरह के फूलदार पौधे और फलदार पौधे भी यहाँ मिलते हैं और घर की आराइश के लिए भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा पौधे हैं जो सदाबहार होते हैं और बोनसाई पौधे भी यहाँ मिलते हैं जो छोटे पौधे होते हैं, खूबसूरत होते हैं बट एक्सपेंसिव होते हैं काफ़ी ज़्यादा। चलते हैं आपको पौधे दिखाते हैं। ये मैं एक नर्सरी में हूँ जहाँ ग्रीन हाउस से उन्होंने यहाँ इसको पौधों को बचाया है, सर्दी की वजह से सर्दी से बचाया गया है इसको। और ये पौधे थोड़े सेंसिटिव हैं और यहाँ अच्छा खासा टेम्परेचर जो है ना गर्म लगता है, लगता नहीं है कि हम ठंडे इलाके में पहुँचे हुए हैं। और इन्होंने टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है और क्योंकि इनकी सेफ्टी के लिए इन्होंने ये किया हुआ है और इसको पौधों को नुकसान से बचाने के लिए सारे अरेंजमेंट की गई है। मैं भी हैरान हूँ कि हज़ारों पौधे यहाँ पाकिस्तान के दूसरे शहरों में लोग ख़रीद के ले जाते हैं और पाकिस्तान से बाहर भी यहाँ से पौधे जाते हैं और लोगों को अब अपने घरों को खूबसूरत बनाना, अपने लॉन को खूबसूरत बनाने का बड़ा शौक़ है। हमारे लोग जो है ना वो नेचर लवर बनते जा रहे हैं। और इसकी पत्तोकी की बड़ी हिस्ट्री है नर्सरियों की। कहा जाता है कि 30-35 साल 40 साल पहले यहाँ कुछ भी नहीं था, ये नर्सरियों का आगाज़ हुआ। और एक स्टोरी भी है, मिथ भी है कि एक बाबे ने यहाँ बैठा हुआ था तो पौधा एक फूल एक जो है ना वो नहर में बहता हुआ आया तो उसने वो टहनी को ज़मीन में गाड़ दिया कि ये डैमेज ना हो, ज़मीन में गाड़ दिया तो कुछ दिनों के बाद वो कोंपले निकली तो उसने कहा ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। उसने फिर वो एक छोटी नर्सरी बनाई और वो काम बढ़ता 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 अब यहाँ
कहा जाता है कि हज़ारों के हिसाब से यहाँ नर्सरियाँ हैं और रोड के दोनों साइडों पे भी, जीटी रोड के दोनों साइड पे भी नर्सरीज हैं और करीब करीब 15 किलोमीटर में जितने भी गांव में खेतीबाड़ी हो रही है वहाँ पौधे ही उगाए जा रहे हैं। जी मेरे जो है ना दोस्त बाइकर्स काफ़ी आगे निकल गए हैं और जो टूर्स हैं उसकी यादें, उसके फ़ोटोज़ और वीडियोस हैं और वीडियोस अपलोड करने के लिए डेफिनेटली आपको ज़्यादा डाटा चाहिए। डाटा मेरे पास ख़त्म हो गया, मैं थोड़ा अपना जैज़ लोड करवा लूं और फिर चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? मुझे जैज लोड चाहिए, आपके पास अवेलेबल है? थैंक यू जी, थैंक यू। इस वक्त हम रिनाला खुर्द में हैं और ये जगह रिनाला हाइडल पावर प्लांट है और बहुत ही तारीखी जगह है जिसको 1905 में सर गंगाराम ने बनाया और यहाँ मकामी लोगों को बिजली सप्लाई करने के लिए एक प्रोजेक्ट है, हाइडल प्रोजेक्ट है। और उस वक्त क्या टेक्नोलॉजी थी और सर गंगाराम का बड़ा ही काबिल एहतराम नाम है हमारे यहाँ और उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट, गंगाराम हॉस्पिटल है और ये प्रोजेक्ट हो गया, इसी तरह गंगाराम ने और बहुत सारे प्रोजेक्ट किए। लाहौर का मॉडल टाउन का जो सारा नक्शा है वो सर गंगाराम का बनाया हुआ है और गंगाराम ने एक जड़ावाला के करीब एक उसका ट्रैक बनाया जिस पे लोकल ट्रेन घोड़ों के साथ खींच के वो जाती थी, तो वो बनाया। ये भी बहुत ही आलीशान प्रोजेक्ट है, काफ़ी हिस्टोरिकल, काफ़ी टेक्निकल है। चलते हैं आपको यहाँ की सैर कराते हैं। यहाँ 1.1 मेगा वॉट बिजली पैदा होती थी और ये मकामी जो लोग हैं उनके लिए, उनके इस्तेमाल के लिए बनाया गया और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही हिस्टोरिकल। उस ज़माने में ये टेक्नोलॉजी थी कि बिजली को कैसे तैयार किया गया। अब भी ये फंक्शनल है और ऑपरेशनल है ये, और इसे बिजली पैदा की जाती है और इसका मकामी हवाले से, पावर जनरेशन के हवाले से बहुत ही अहम रोल है। और चलते हैं हम आपको इसके कुछ हिस्से दिखाते हैं, उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ चलते हैं। इस वक्त हम सतघरा पहुंच चुके हैं और उकाड़ा से तकरीबन इसका फासला कोई 11-12 किलोमीटर है और यहाँ मीर चाकर आज़म रिंद का मकबरा है, बहुत बड़ा हीरो, रिंद कबीले का सरदार, और ये बलूचिस्तान से हिजरत करके यहाँ आया और यहाँ इसने अपने बेटों के नाम से 7 गांव आबाद किए, इसी वजह से इसको सतघरा भी बोलते हैं। और चलते हैं, इसको ये छोटा सा एक किला है
और एक साइड पे चाखर आज़म का मकबरा भी है, वो मदफून है यहाँ। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अब इसकी ज़रा देखभाल की है, इसको ज़रा बेहतर किया है, किले को भी और ख़ास तौर पे मज़ार को बेहतर किया है। और चलते हैं मज़ार पे, फातह खानी भी करते हैं और आपको सतगरा किले की सैर भी कराते हैं। ये पुरानी देखें, ये छोटी ईंटों का काम हुआ हुआ है और पुराने घर हैं मुग़ल टाइम के, उससे पहले के, फिर सिखों की भी यहाँ काफ़ी आबादी रही और पार्टीशन के बाद वो माइग्रेट हो गए और अभी तक ये बिल्डिंग्स हैं। और पार्टीशन के बाद जो हिजरत करके आने वाले थे वो यहाँ आबाद हुए। बहुत पुराना डिज़ाइन की, अभी इसमें थोड़ी तब्दीली भी हो गई बिल्डिंग्स की। और शाम होने वाली है, हम इसको थोड़ा सा और विज़िट करते हैं और दिखाते हैं इसके जो पुराने हिस्से हैं वो आपको किले के दिखाते हैं जी। जी इस वक्त हम सतघरा में मौजूद हैं और ये सतघरा फोल्ड का दाखिली दरवाज़ा है। दो दरवाज़े हैं और इसके अंदर अब आबादी, बाहर भी आबादी अब हो गई है, लेकिन किसी ज़माने में इसके अंदर बैरक्स थी, लोगों के रहने की जगह थी और ये डिफेंसिव एक बनाया गया था क्योंकि यहाँ जो चाकिर आज़म की फोर्सेस थी, ये पूरा इलाका उसकी, वो यहाँ का हुक्मरान था, उस हवाले से इसको तामीर किया गया। बाद में आने वाले वक्तों में फिर इसमें काफ़ी रद्दोबदल किए गए, इसकी तामीरात भी चेंज की गई और बहुत खूबसूरत है। इसके देखते हैं दीगर इसके हिस्से भी देखते हैं। ये बड़ी तारीखी मस्जिद है और देखें इसकी तामीर भी मुनफरद हिसाब से की गई है और अल्लाह का घर है, आबाद है और खूब देखभाल हो रही है, बड़ा अच्छा स्ट्रक्चर, बहुत पुरानी मस्जिद है। चलते हैं मस्जिद को ज़रा देखते हैं। उकाड़ा से तकरीबन कोई 11 किलोमीटर 11 किलोमीटर के फासले पर ये बड़ा ही तारीखी किला है और अब तो ये किले से के अलावा बहुत बड़ी आबादी भी बन गई है और इसकी सराउंडिंग में भी काफ़ी घर बन गए, आबाद हो गए। और चाकिर आज़म एक अजीम बलोच सिपा सलार और लीडर ने यहाँ पड़ाव किया और इस पूरे खित्ते में अपनी हुकूमत की। और तकरीबन 15 किलोमीटर कहा जाता है कि ये उसकी अमलदारी में ये जगह थी और ये 1519 में चाकिर आज़म यहाँ आए और ये जगह बड़ी सरसब्ज और ख़ूबसूरत लगी तो उन्होंने यहाँ पड़ाव किया और यहाँ ही वो उनकी डेथ हुई। और आप बैक में देख रहे हैं ये मीर चाकिर आज़म, जब 1565 में उसकी डेथ हुई तो यहाँ ही उसको दफन किया गया। और बड़ी इंटरेस्टिंग तारीख है कि रिंद और लाशार कबीलों की तकरीबन 300 साल तक लड़ाई होती रही और बलोचों की लड़ाई भी बड़ी लंबी लंबी तवील लड़ाइयाँ थी और वो लड़ाइयाँ होते होते जब चाकिर आज़म का दौर आया तो इन्होंने देखा कि इतनी लंबी हिस्ट्री है लड़ाई की और लड़ाई ख़त्म ही नहीं हो रही, दोनों कबाइल की मुसलसल एक दूसरे के लोगों को कत्ल किया जा रहा है, तो इन्होंने वहाँ से मूव किया बलूचिस्तान से और चलते चलते यहाँ आए और यहाँ ये इन्होंने क़याम किया। और यहाँ कहा जाता है कि अपने 7 बच्चों के नाम से इन्होंने 7 गांव आबाद किए और इसी वजह से उसको सतघरा भी इसको कहा जाता है। और मुग़ल एम्परर हुमायूं ने जब शेरशाह सूरी के ख़िलाफ़ महाज खड़ा किया तो शेरशाह सूरी ने उसको हिंदुस्तान से निकाला और यहाँ अपनी हुकूमत कायम की और हुमायूं ईरान चला गया। और बाद में शेरशाह सूरी की डेथ के बाद हुमायूं जब वापस आया तो चाकिर आज़म ने उसकी सपोर्ट की और उसको फ़ौजी भी अपने जो बलोच अपनी कौम के लोग थे वो भी दिए। और कहा जाता है कि हुमायूं की फ़ौज को सबसे ज़्यादा रसद जो था गंदम का, राशन का, वो चाकिर आज़म ने दिया। और इसी वजह से जब हुमायूं बादशाह ने सिंध पे दोबारा कब्ज़ा किया और हुकूमत की
तो चाकिर आज़म को और इनके कबीले के लोगों को काफ़ी बड़े बड़े ओहदों पे उनको जगह दी और बलूचिस्तान उसमें हिंदुस्तान में बलोच कबाइल वहाँ आबाद हुए। और बदकिस्मती और मकाफात अमल है कि इस पूरे एरिया में जिसको एक बलोच सरदार ने आबाद किया उस वक्त, और यहाँ अब कोई बलोच नहीं रहता इस पूरे खित्ते में। और चलते हैं, फातह करते हैं चाकिर आज़म की कब्र पे और इसके दीगर हिस्सों को भी आपको दिखाते हैं। यकीनन आपने आज इंजॉय किया होगा खूब पंजाब की सैर की, और यहाँ हम सतघरा पहुँचे और यहाँ के जो लोग हैं उनकी जो उन्होंने मेहमान नवाजी की, बहुत अच्छी चाय शाय पी। और अब रात हो गई है और हमारी डेस्टिनेशन हमने साहिवाल पहुँचना है, और मैंने सोचा कि क्यों ना जैज़ मुसाफिर जो ऐप है उस पर अपनी होटल की बुकिंग कर लें, बजाय कि वहाँ जा के एक एक होटल को घूमा फिरा जाए। और उसको हम ऐप से अपनी बुकिंग करा लेते हैं तो वो हमारे लिए और बेहतर हो जाएगा। मुझे तो कोई 2-3 स्टार होटल चाहिए, दरमियानी कोई हो जो मेरे बजट को भी। जैज़ मुसाफिर तो बड़ी अच्छी ऐप है यार, ये तो बड़ी हेल्पफुल है, और जो हम जैसे मुसाफिर हैं उनके लिए तो मज़ेदार है। ये जी मेरी होटल की बुकिंग हो गई, अभी साहिवाल चलते हैं, होटल की लोकेशन मेरे पास आ गई है। और नेक्स्ट एपिसोड तक हम इजाज़त चाहते हैं, और नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाएंगे खूबसूरत अमेजिंग प्लेसेस। हमारे साथ रहिए, पाकिस्तान जिंदाबाद।